नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने पर हत्या। प्रधानमंत्री को भी जान से मारने की दी धमकी। राजस्थान में वर्ग विशेष के दो व्यक्तियों द्वारा एक हिंदू टेलर की वीडियो बनाते हुए निर्मम हत्या करने और हत्यारों द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मारने की धमकी देने के कारण संपूर्ण देश में हिंदू समाज बेहद आक्रोशित दिखाई दे रहा है। राजस्थान में एक हिंदू भाई की हत्या हुई है, उसके उपलक्ष्य में, उसके विरोध में हिंदू समाज के सब संगठनों ने एक बैठक की और सभी हिंदुओं ने आज ये निर्णय लिया है कि हम लोग सब मिलकर आर्थिक बहिष्कार करेंगे। और जो इस बैठक में जो हिंदू भाई नहीं आए हैं, जो चूड़ियां पहन के अपने घरों में बैठे रहे हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं, जब कभी भी उनके साथ ऐसी कोई घटना होगी तो उनके साथ कोई हिंदू खड़ा नहीं होगा। आज अगर अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो हम सबका साथ दें और आर्थिक बहिष्कार करें। पूरे हिंदू समाज ने एक फैसला लिया है कि आज के बाद ऐसे किसी भी आतंकवादी और जो ऐसे घटनाक्रम करते हैं उनके से कोई भी सामान नहीं परचेस करेगा। सभी जगह इस तरह की कट्टर मानसिकता के लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की बात की जा रही है। इसी संबंध में आज मध्य प्रदेश के सागर जिले में सभी हिंदू संगठनों द्वारा पहलवान बाबा मंदिर प्रांगण में एकत्रित होकर एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि ऐसे जिहादियों का आर्थिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा एवं बैठक के तुरंत बाद ही भारत के राष्ट्रपति के नाम राजस्थान में हुई घटना के विरोध में ज्ञापन दिया गया। साथ ही पीली कोटी के सामने ऐसी जिहादी मानसिकता रखने वालों का पुतला दहन भी किया गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि यदि इनके खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो समस्त हिंदू संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। द्वारा हिंदू टेलर कन्हैया की जो निर्मम हत्या की गई है उससे सागर शहर का हिंदू समाज आक्रोशित है। आज सभी हिंदू संगठनों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए हिंदुस्तान कौन जिहादियों को ललकारा है कि हमारी शांति को हिंदू समाज की कायरता ना समझा जाए। एक के बाद एक हिंदुओं की निरंतर हत्या, हिंदू महासभा के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के बाद अगर सरकार इन जिहादियों पर नकेल कसती तो हमारे कन्हैया की हत्या नहीं होती। उससे आज सागर शहर का हिंदू जनमानस आक्रोशित है और चेतावनी देता है और आगामी शहर में पूरा सागर शहर, पूरा हिंदू जनमानस, हिंदू संगठन के लोग सागर बंद करने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है जी भाई साहब, आज किस संदर्भ में ज्ञापन और प्रदर्शन? ये कल जो उदयपुर में निरसन हत्या जिहादियों ने की, एक जिसका कोई दोष नहीं था और इन्होंने पूरा तालिबान स्टाइल में यहाँ पर जो उसका कल कत्ल किया उसके विरोध में हम सब हिंदू संगठनों ने एक साथ मिलकर एक ज्ञापन दिया राष्ट्रपति जी के नाम कि इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाई जाए और हिंदुओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि जहाँ जहाँ ये कांग्रेस सरकार रहेगी वहाँ पर ये आगे यही होता रहेगा। कि हमारे सूरज भाई ने और कई लोगों ने अपने बैनर के माध्यम से बताया कि इतने पिछले 70 वर्षों से कांग्रेस जो करती रही वो अंदर भीतर घात करती रही, आज जो साधन हिंदुत्व का आया उसके बाद भी आप देखिए आज राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और उसने इस बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया और एक निर्दोष आदमी की हत्या करवा दी। जय हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर, खबर 24।